नमस्कार दोस्तों, कभी पैकेट घुमाकर देखा है कि जिस ब्रेड को या फिर जिस ब्राउन ब्रेड को आप हेल्थी समझते हो उसमें क्या क्या डला हुआ है। आज के समय में पूरी दुनिया भर में ब्रेड एक कॉमन आइटम है जिसे हर कोई हर समय खाता है। इंडिया में कितने सारे जरिए हैं इस ब्रेड को खाने के, जैसे कि ब्रेड जाम, ब्रेड गुलाब जामुन, ब्रेड हलवा, ब्रेड रोल, ब्रेड पकोड़ा और ना जाने क्या क्या। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि इस ब्रेड के अंदर एक्चुअली में डाला क्या हुआ है और यह आपकी हेल्थ के लिए सही है या हानिकारक। व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड के बीच में क्या अंतर है और रोटी से इस ब्रेड को कैसे कंपेयर किया जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं कि ब्रेड आखिर बनती कैसे है। देखा जाए तो ब्रेड मुख्य चार चीजों से बनती है। पहला है फ्लोर यानी कि आटा या मैदा हो गया। दूसरा पानी, आटे और पानी को मिलाकर लोट बुंदा जाता है। तीसरा है नमक और चौथा है ईस्ट। आप पूछोगे कि यहाँ पर नमक डालने का क्या पर्पस बनता है, तो पहला कारण यह है कि नमक एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जिसकी वजह से ब्रेड को ज्यादा समय तक स्टोर किया जा सकता है। और दूसरा कारण यह है कि नमक डालने से ब्रेड का टेस्ट थोड़ा ज्यादा बेटर हो जाता है। और यहाँ पर ईस्ट का रोल यह होता है कि ईस्ट डालने की वजह से ब्रेड थोड़ा फूल जाता है और सॉफ्ट बन जाता है। अब यहाँ पर हमारी रोटी है और यह जो ब्रेड है उसमें सिर्फ दो चीजों का अंतर है। रोटी बनाते वक्त ईस्ट और नमक का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए रोटी फूलती नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से ब्रेड फूलती है। और दूसरा, रोटी को हम ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते। अगर रोटी को हम खुली हवा में छोड़ देंगे तो एक दिन के बाद वो खाने लायक नहीं बचेगी। अब दोस्तों बात करते हैं आटे और मैदे के बीच के अंतर के बारे में। ऑटोमेटिक मशीन आने की वजह से साल 1873 के बाद बहुत आसान हो गया था मैदे को बनाना। उससे पहले भी मैदा बनाया जाता था लेकिन उतना आसान नहीं था। यह पहली चीज थी जो सबसे खतरनाक थी ब्रेड के इतिहास में। दूसरी जो चीज थी वो जो आटा गेहूं से निकलता था वो व्हाइट कलर का होता था जो वातावरण के ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके थोड़ी देर बाद व्हाइट कलर का बनता था। लेकिन इंडस्ट्री की इन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास टाइम नहीं था, वो अपने कस्टमर को बेवकूफ बनाना चाहते थे। ज्यादा से ज्यादा व्हाइट फ्लोर दिखाकर और वो इंतजार नहीं कर सकते थे उस रिएक्शन के होने का, इसलिए उन्होंने आटे को जबरदस्ती व्हाइट करना शुरू किया चौक, आलम और बोरेक्स पाउडर जैसे केमिकल मिलाकर। साल 1898 में पहली बार ब्लीचिंग एजेंट्स आना शुरू हुए। यह बड़ी बड़ी कंपनियां ब्लीच करने लगी उस आटे को और उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि कोई भी आटे को व्हाइट कर देना, इसलिए उनके सभी पेटेंट फाइल करने लगे ब्रिटेन, यूएस और फ्रांस जैसे कुछ कंट्रीज में। उस वक्त कई लोगों ने इसका सख्त विरोध भी किया। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रेड बनाने के लिए एक बड़ा फेमस ब्लीचिंग एजेंट है जो यह बड़ी बड़ी कंपनी वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है पोटेशियम ब्रोमेट। साल 1916 में पहली बार पोटेशियम ब्रोमेट का इस्तेमाल किया गया था। इसे ब्रेड ना सिर्फ और ज्यादा व्हाइट होती है बल्कि और ज्यादा फूलती भी है और सॉफ्ट भी हो जाती है, जिस कारण इस पोटेशियम ब्रोमेट का इस्तेमाल और ज्यादा हो गया। लेकिन इन केमिकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इससे किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती है और थायराइड कैंसर जैसी बीमारियां होती है, यही रीजन है इसलिए इस केमिकल को चाइना, ब्रिटेन जैसे देशों में बैन कर दिया गया। लेकिन इंडिया में क्या है यहाँ पर, साल 2016 में केमिकल लैब में रिपोर्ट हुई जिसमें अलग अलग ब्रेड के 38 सैंपल्स लिए गए और उन सभी सैंपल में 95% ब्रेड में केमिकल मिला जो सेहत के लिए हानिकारक था और जिससे कैंसर और थायराइड जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती थी, जिसके चलते इंडिया में भी यह केमिकल को बैन कर दिया गया। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि ब्रेड हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक होता है, चाहे वो व्हाइट ब्रेड हो या फिर वो ब्राउन ब्रेड हो, जिसके चलते हमें कैंसर, थायराइड,
हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो दोस्तों, आपका जो भी दोस्त हो जो ज़्यादातर ब्रेड का सेवन करता हो, उसे यह वीडियो ज़रूर भेजना। उसके लिए यह वीडियो बहुत फायदेकारक होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।